behaviors tell them good evening. जुमे का दिन है, लाहौर की लिबर्टी मार्केट है और मैंने कहा आप लोगों को आज लिबर्टी मार्केट की सैर कराई जाए। लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग, तो ये लाहौर की गुलबर्ग में मशहूर ज़माना मार्केट है जी। मैं इसके चक्कर तलाश में था, थोड़ा सा सर्कल बनता है। रात में यहाँ पर बहुत लाइटें हैं और बड़ी रौनक होती है, तो रात में देखना मसला होता है सही तरीके से। सरदार जी इंडियन फैशन, इंडियन सारी, फ्रॉक्स, फैंसी वैरायटी सूट्स। सरदार जी है यहाँ पर कोई? नहीं, तो नाम ही ऐसा रखा है। तो ये है मेन 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 इनकी जो मेन मार्केट, यहाँ से आप देखें ज़रा, रात में यहाँ पर ये सारा इलाका जगमग जगमग कर रहा होता है, पैसा लोगों की जेबों से उछल उछल के गिर रहा होता है। मैं आपको इधर से एक राउंड कराऊंगा। आपको पता लगेगा स्टारलेट सर्विस ECS। ये राइट साइड पे इन लोगों का पार्किंग लॉट है। वसीम ज्वेलर्स, ये देखें फोक्स, जो जो रात होते जाएगी ये मार्केट जो है ना अपना रंग पकड़ती जाएगी। Why do we have it?
ये गलबन इनका जो है ये फूड कोर्ट है, इस तरफ ये सारी ये फूड की खाने पीने की दुकानें हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त ये देखें इस तरफ का ट्रैफिक, मैं अभी भी उसी इलाके के अंदर हूँ, आपका अल्लाह भला करे, लिबर्टी मेन मार्केट के इलाके में। ये फ्राइडे की वजह से शाम का टाइम है, लोगों को घर जाने की भी जल्दी है। हाँ साहब, ये इधर लिबर्टी चौक की तरफ जाएगा ये? लिबर्टी चौक जो है वो जो लिबर्टी चौक पीछे है, उस एन चौक आगे है। अच्छा, आपने किधर जाना है? लिबर्टी चौक नहीं, मैं चला जाऊंगा ऐसे ही, पीछे तो नहीं है यार। लिबर्टी चौक पीछे है, उस एन चौक आगे है। ठीक है, अब आप चले मेहरबानी। चले फॉक्स, इसी बहाने आप क्या नाम है, ये व्यूअर्स कि देखें, ये इधर से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये शादी की जो गाड़ियां सजाई जाती हैं, ये देखें गाड़ी, शादी की गाड़ी सजाई जा रही है। और ये पूरी मार्केट ही इसी चीज़ की है, यहाँ पर क्योंकि जुमा आ गया है, शादियों का सीज़न तो यहाँ हर वक्त ही रहता है।
ये देखें, ये एक पार्क है इसके अंदर, इस इलाके में। यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा बड़ा खूबसूरत पार्क है ये। तो ये गुलबर्ग का लिबर्टी मार्केट का इलाका है, और अब से नहीं, ये आई बिलीव 70s 80s से वक्त गुजरने के साथ साथ मशहूर से मशहूर होता गया। अब तो बेतहाशा मार्केटें बन चुकी हैं, लेकिन इसकी अपनी जगह फाजियत है। तो मैं अब आपको मेन लिबर्टी चौक की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि आपने अंदरून शहर का इलाका देखा। तो आप देख सकते हैं लाहौर के डिफरेंट रुख मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक वॉल्ड सिटी था, एक वीडियो मेरी थी जो पार्टीशन के दौरान या पार्टीशन के से थोड़ा पहले के इलाके हैं। अभी देखिए ना, क्या खूबसूरत पार्क है ये, जामे शीरी पार्क के नाम से। आए आपको अंदर भी थोड़ा सा एक दिखा दूँ। मैं लाहौर की वीडियोस तो बहुत बनाना चाहता हूँ, लेकिन सुबह में बहुत गर्मी बहुत होती है और हिम्मत नहीं पड़ती है। ये देखें क्या खूबसूरत पार्क है ये, डेवलपमेंट ऑफ जामे शीरी पार्क। हाँ, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ पर। ये कृषि जो है, ये हमदर्द वालों की तरह से स्पॉन्सर्ड बाय कृषि, तो प्रॉब्ली दे भी मेंटेनिंग दिस। हिस्ट्री बोर्ड के ऊपर तो काफ़ी चिड़ियों ने अपना किरदार अदा किया हुआ है, तो मैं दिखा नहीं सकता। रीडिंग गजीबो भी है, जहाँ बैठ के आप किताबें वगैरह पढ़ें, आई बिलीव। एक्सटेंडेड जॉगिंग ट्रैक, वॉकर्स मॉल नंबर 1, फेज 1-2 कंप्लीटेड। एनी ऑफ फॉक्स, अब अंदर जाने का तो कोई इरादा नहीं है सच। ये शंघाई के चुआनशा पार्क टाइप का कह सकते हैं, डेफिनेटली सुबह के वक्त यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती होंगी। लेकिन अच्छे पाम के ट्रीज लगे हुए हैं, तो मैंने कहा लगे आ तो आप लोगों को दिखाता जाऊँ। तो मैं आप लोगों को एक लाहौर का एक छोटा सा, वैसे तो लाहौर Everybody knows it's a very huge big city now. ये लाहौर का वो हिस्सा है जो पार्टीशन के बाद बना। मैं इसके लिबर्टी चौक की तरफ जा रहा हूँ। एज आई सेड अर्लियर, इंतहाई बिजी कारोबारी किस्म का इलाका है ये। चीज़ें यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लिंक रोड से भी महंगी होंगी। एक मैंने आपको टाउनशिप मार्केट दिखाई, जो मुझे ऐसा गरीबों के लिए है, मीडियाकर किस्म के। गरीब से मुराद ये है कि चीज़ें वहाँ भी सब किस्म मिलती हैं, तो कोई ये ना हो कि कोई बुरा मना जाए इस बात को। आई मीन, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक थोड़ी सी अपर है, वो लिंक रोड का इलाका कहलाता है। तो लिंक रोड को, लिबर्टी को, यहाँ की प्राइसेस को आप सेम कह सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा लिंक रोड से भी ऊपर का वो कहलाता है। प्रिपेयर 8+ बैंड आईलेट्स इन 20 डेज, 20 दिन में बहुत आईलेट्स करवानी हो 8 बैंड से ऊपर, रिजल्ट्स गारंटेड। बुलुंग बांग दावे हर कोई करता है। ये स्मार्ट होटल है ये पूरे का पूरा। व्यूअर्स, आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं लाहौर तकरीबन साल में 2 दफ़ा तो मेरा आना होता ही है, नो मैटर व्हाट।
तीन भी शायद एक आध दफ़ा हुए हैं, लेकिन इतना मैं कभी भी नहीं फिरा था जितना मैं लिबर्टी। एक दफ़ा किसी को शॉपिंग करनी थी तो वो भी मैं निकला नहीं था, गाड़ी में ही बैठा रहा था, जाओ भाई ये औरतों का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन अब जब से मुझे वीडियो बनाने का हुआ है तो मैं अब काफ़ी फिर चुका हूँ, तो क्रेडिट ऑल गोज़ टू माय व्यूअर्स। तो मैं जल्दी इसको रैप अप करूँगा क्योंकि अंधेरा छाता है। इस कैमरे के साथ थोड़ी सी इशू ये है कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो तो बहुत ब्राइट हो जाता है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा गूगल करूँगा, इसके गालबन लेंसेज आते हैं, तो जब जाऊँगा वहाँ पर तो अमेज़ॉन पर देखूँगा कि इन कैमरास के लेंसेज जो धूप को कंट्रोल करके पिक्चर को बहुत ज़्यादा ब्राइट ना करें, क्योंकि मैं आज एक सॉफ्टवेयर पे डाल के मेरी आपारा की एक दो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट आई हैं, तो उनको मैं सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से उसके जो पिक्सल थे वो ख़राब हो रहे थे, वो पिक्चर जो थी डिम हो रही थी बहुत ज़्यादा, ब्राइटनेस तो उसकी ख़त्म हो रही थी लेकिन वो डल होती जा रही थी, तो आई लेफ्ट इट एज इज़। तो ओके फॉक्स, फॉर सम ऑफ माई व्यूअर्स दिस इज़ लाहौर, दे वुड लाइक टू लिसन एम everything in English. This is a Liberty Market in Gulberg, one of the very fancy market. That's all I can say. Lahore, Pakistan. Shell gas station kahin bhi chale jaye aapko ek hi tarah ka milega, takriban pretty much the same pumps. स्वीट फैक्ट्री एक्सप्रेस, वेफल्स, ब्राउनीज। अब आप यहाँ पर आए तो आपको सारे लोगों को अगर गौर से ना देखें तो आपको ऐसे लगेगा आप दुबई में हैं। तो लाहौर के इस तरह के, इसी तरह कल जब मैं परसों कराची में था तो वहाँ पर सर्टन एरियाज थे। अब ये देखें ना, ये बिल्डिंग जो है जो टोरंटो में एक किंग क्या कहलाती है, किंग के नाम से जो बन रही हैं वो भी तो बिल्डिंग्स इसी तरह ही हैं, सबकी बालकोनियों में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ उसकी भी बालकोनियों में इसी तरह दरख्त उगाए गए हैं। तो ये देखें, उसी तरह के दरख्त हैं ये। तो आप लोग आओ ना आओ बॉस लाहौर, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ ले आया हूँ, सो एटलीस्ट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल लाहौर is on this part of the Lahore. क्या ख्याल है, एक मैंने आइसक्रीम खा ली है और अब मैं एक गन्ने का रस भी पी लेता हूँ। कितने का है यार ये? 50 रुपए। लाओ यार एक दे दो यार मेरे को भी। अदरक भी है, पुदीना भी है, पादया कर यार पुदीना, पुदीना भी रखा करो अच्छा हो जाता है। ये लिबर्टी का रेट है एक जगह 25 का, यही तुम्हारे पास 50 का, किराया भी तुम्हारा ज़्यादा होगा ना यहाँ। ये जितने भी फल हैं ये सब जाली हैं। ये जाली नहीं ना सारे। ये क्या डाला है? काला नमक। क्या बात, खैर तुम्हारा तरीके कार साफ है, दैट्स अ गुड थिंग। मेहरबानी यार, ये देखें फॉक्स 50 रुपए का, 50 सेंट्स, ज़बरदस्त किस्म का है। ये है मेन इनका लिबर्टी चौक। यहाँ
यहाँ से मैं पैदल अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाऊँगा तो अपने घर के, ये देखें फ्रॉक्स बिल्डिंग, इस पर वही वाली बिल्डिंग है। ये देखें ट्रैफिक का आलम फॉक्स। ये पिक्चर अब डार्क होती जा रही है, आई डोंट नो हाउ गुड इट इज कमिंग। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, मुनाल, मुनाल इस्लामाबाद की मैंने वीडियो बनाई है, लोड होने वाली है। ये जो है बेसिकली ये इसके ऊपर रेस्टोरेंट है मुनाल के नाम से। देखिए कितना बड़ा चौक है, ये कितना बड़ा चौक है, इट्स ए ह्यूज, इट्स बिग। ये देखें इसके ऊपर जो है ना फोक्स रेस्टोरेंट है 10th फ्लोर के ऊपर। तो मुझे मार नहीं देना, ये ले फोक्स, मैं चिंची पे पीछे बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को पीछे से नज़ारा दिखा। अब ये बरकत मार्केट, गार्डन टाउन बरकत मार्केट तक मैं चला जाऊंगा इसके ज़रिए। तो आते हुए मेरे लगे थे तकरीबन 250, टाउनशिप से यहाँ पर 250 रुपये लिए थे उसने। अब ये जो भी लेगा 10-20 रुपए तो वहाँ मेरा मामला हल्का हो जाएगा, फर्क कोई ख़ास नहीं पड़ेगा, इन रिक्शे वालों का कोई सेट किराया नहीं होता है। लेकिन यहाँ से टाउनशिप के लिए, क्योंकि ये अमीरों का इलाका है तो यहाँ से टाउनशिप के लिए रिक्शा मिलना मुश्किल है मेरे मुझे। बरकत मार्केट से हो सकता है मुझे रिक्शा मिल जाए। तो ये है, मैंने कहा चलो चिंची के पीछे बैठूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सैर भी करा दूंगा। ये देख सकते हैं आप, ओह मैन, आप गाड़ियों का अंदाज़ा लगाएं, मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो 16 17 18 या 15 कर लें आप, 2015, 2016, 2017 और 2018 का मॉडल है। कौन कहता है कि पाकिस्तान गरीब है? जिसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा वो गरीब है। बाकी ज़िंदगी सबकी रवां दवाएँ इसी तरह ही। मोस्टली रोड्स जो हैं मैंने देखी हैं 5 लेन्स रोड हैं। अब ये जिस तरह है 1, 2, 3, 4 चप्पो 4 लेन कह लें, 5वीं आप एग्ज़िट को मिला लें तो 5 लेन है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5।
राइट साइड पे सारी नर्सरियाँ हैं, यहाँ पर आपको वो पौधा मिल जाएगा जो इस मुल्क का है वहाँ भी नहीं मिले शायद। साहब देखिए क्या खूबसूरत बाग है, शायद ये रात में अंधेरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा तो माफ़ कीजिएगा फॉक्स, देखिए फॉक्स क्या खूबसूरत पार्क है ये, वाह अरे ना चले फॉक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, आगे रक्षा पकड़ा जाए।